वेलकम बैक टू आवर चैनल गाइस। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एपिसोड 123 पोकेमोन जर्नीज के थोड़ा शॉर्ट एक्सप्लेनेशन दूंगा। तो गाइस इस एपिसोड में होता क्या है कि ऐश बहुत तैयार रहता है बैटल के लिए और सिंथिया भी। और जब सिंथिया अपनी बैटल से वापस आ रही होती है तो सिंथिया बोलती है कि हमें मुझे रिटायर हो जाना चाहिए। तो यहाँ तक तो आपको कुछ लीक से पता चल गया होगा। तो ऐश पहला पोकेमोन चुनता है ड्रैगनाइट और फिर सिंथिया चुनती है स्पिरिट टॉम। बट ये भी आपको लीक से पता चल गया होगा कि स्पिरिट टॉम हार जाता है। फिर सिंथिया रोजरेट को भेजती है और ऐश गेंगार को, पर गेंगार पावरफुल निकलता है। फिर रोजरेट कमजोर पड़ जाता है पर वो हारता नहीं है, सिंथिया से वापस बुला देती है। फिर सिंथिया फिर से स्पिरिट टॉम को भेजती है पर इस बार गेंगार हार जाता है। बहुत दुख हुआ मुझे इसमें। फिर गाइस उसके बाद पिक ऐश भेजता है अपने सबसे पावरफुल पिकाचू को। फिर सिंथिया भेजती है तो किसको, पर उसका कुछ काम नहीं है और थोड़ा बहुत डैमेज देके पिकाचू को अंदर से जाता है। फिर इसके बाद आता है गैस्ट्रॉन। गैस्ट्रॉन पिकाचू का मैच होता है और उसमें पिकाचू जीत जाता है। फिर स्पिरिटॉम आता है जिससे स्कोर होता है 3-2, जिसमें सिंथिया ने अपने किसी भी पावरफुल पोकेमोन का अभी तक यूज नहीं किया है, मतलब अपने सबसे पावरफुल पोकेमोन का यूज नहीं किया जबकि ऐश ने कर लिया है। तो आई होप यू गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी हो। तब तक के लिए गुड बाय।